यार वैसे 3 दिन ही गुजरे हैं हमारी शादी को और तुमने एक टिपिकल बीवी की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। You think I'm being a typical wife? जैसे you're my husband. मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुमसे बात नहीं करूंगी तो और किससे बात करूंगी? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मेरी फैमिली से, क्या शिकायत है? तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ लोग हैं जैसे तुम्हारी नानी हो गई, जैसे तुम्हारी वो कजिन मारिया हो गई, दे मेक मी अनकंफर्टेबल, बहुत अजीब बातें करते हैं मुझसे एट टाइम। यार कुछ दिन की बात, उसके बाद वो हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी, कजिन है मेरी, रह सकती है मेरे घर आकर, और रहा सवाल नानों का, वो बूढ़ी है यार, एज में जिस जगह पर वो खड़ी हैं वहां पर उन्हें नहीं पता वो क्या बात कर लेती, और वैसे भी वो कैंसर पेशेंट हैं, लाइक योर मॉम शी इज आल्सो फाइटिंग कैंसर, तुम्हें तो ये बात ज्यादा समझनी चाहिए ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, नानों की बात समझ आ गई, आई एम सॉरी बट आई कांट टॉलरेट योर कजन। जानती हो आज मॉम ने मुझे ऑफिस से जल्दी क्यों भेजा? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, तुम्हारे साथ। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी अच्छी खासी क्लास ली, मुझे डांटा, मुझसे कहने लगी कि जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें वक्त ही नहीं दिया, जो सच है। मैं काम में मसरूफ रहा, तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन ये बात मेरे दिल में उन्होंने डाली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं, कुछ खिलाओ पिलाओ, तुमसे बात करूं, पर तुम उन्हीं को लेकर बदगुमान। I mean, come on, think about it yourself. प्लीज अपने दिल को उनके लिए साफ करो। और ब्रेसलेट कहाँ है तुम्हारा जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, पहन कर नहीं आई आज? Now let me explain. कल ब्रेकफास्ट टेबल पे जब मारिया ने मेरा ब्रेसलेट देखा तो उसे भूल गया, एंड एट दैट मोमेंट मॉम ने मेरा ब्रेसलेट उतरवा के उसको गिफ्ट दे दिया। मॉम एक मिनट, तुमने वो ब्रेसलेट मारिया को खुद गिफ्ट नहीं किया? मैं पागल हूँ? तुमसे ये कौन कह रहा है कि मैंने उसको गिफ्ट किया है, वो भी अपनी मुंह दिखाएगा क्या? हाँ, किसी ने भी नहीं, मुझे लगा ऐसा, जस्ट थॉट। कुछ कुछ खाना है? एक्सक्यूज मी, क्या खाओगे तुम? ये ब्रेसलेट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने रावीन को गिफ्ट किया था। उसी ने तो गिफ्ट किया है मुझे। ये तुम्हें रामीन ने गिफ्ट किया? हाँ हाँ, खाला के सामने बनाया है, चाहो तो फोन करके पूछ लो। बहुत अच्छी लड़की है, इतने कम वक्त में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। मैंने तो बहुत मना किया पर इतना महंगा गिफ्ट उसने ऐसे ही पहना दिया। कह रही थी कि थोड़ा ओल्ड फैशन है, मैं शाजर से कह के नया बनवा लूँ। जबरदस्ती पहना दिया उसने।